होता है सेफ साइज देखने से, तो उसे मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। थ्री ग्रुप में ये थ्री ग्रुप कौन थे? एक इन्होंने मतलब तीनों ग्रुप में एक ट्री बोल दिया, बड़े वाले श्रूव हो गया और हर्ब हो गया, ट्रीज हो गया, सर्व हो गया, हर्ब हो गया। ये तो अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया। सिंपली हम लोग थोड़ा हिस्ट्री से चल रहे हैं। दूसरे साइंटिस्ट कौन से थे? इन्हीं के स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस को क्या बोला जाता बोटनी, बोटनी। है? फादर ऑफ बॉटनी। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा अब, लेकिन मतलब आपको जानना चाहिए था। और हाँ इनके बुक का नाम क्या था? सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा सर, दो बुक नहीं है। हिस्टोरिया प्लांटेरम। ऐसा कुछ नहीं। और इसीलिए इनको मतलब फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है, क्योंकि हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी। वैसे तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कॉल लेनी है, सभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी हिस्टोरिया प्लांटोरियम बोला। क्या है बुक बुक इनकी बुक का नाम है। सर? दो बुक इन्होंने इनमें दिया था ना? इन्होंने नहीं दिया था, वो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो कार्ल लेनियस ने दो बुक दिया था, एक सिस्टमा नेचर, एक स्पेसी प्लांटेरा। ठीक है, आगे ठीक अभी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, वो है। मतलब कार्ल लेनियस, इनके बाद कार्ल लेनियस की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने अगर क्लासिफाई जो किया, वो कैसे किया? क्लासिफिकेशन प्लांट फोर ग्रुप में, जैसे अरिस्टोटल ने थ्री ग्रुप में किया था, इनके गुरु ने, इन्होंने फोर ग्रुप में बांट दिया प्लांट इन फोर ग्रुप। और फोर ग्रुप कौन कौन से? मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिटेट अंदर, और यही ज्यादा इस समय माना जाता है एक तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिटेट। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिटेट जैसे बोला जाता है, आप एक एकदम छोटे प्लांट को क्या बोलते हैं? हर्ब बोलते हैं। हाँ उसके बाद अंडर स्रूव भी इन्होंने बोल दिया, सर्व और सर्व बोल दिया, और ट्री बोल दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका क्लास मतलब हिस्ट्री के बारे में हम लोग चलते हैं। अब जो हम लोग पूछा जाता है ज्यादा, वो कौन पूछा जाता है? कॉल लेनी है, जैसे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े कॉलोनियल। थे, वहां पे बुक का नाम हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कर लेंगे। कॉल लिनियस जो सिस्टमा नेचर और नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, तो कॉल सर लिनियस कॉलोनियल ने दिया था ना? जो बुक का नाम आपको एनसीईआरटी मिलेगा वही पूछा जाएगा, जो बुक पहले चैप्टर में दिया है वही पूछा गया था। ठीक है ठीक, सर। कॉल लिनियस क्या है? इनका नाम कार्ल वान लीने था, कार्ल लिनियस लोग बोलते हैं, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, और इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलेंगे। पहले चैप्टर में हमने बताया था, आरएन लिए थे क्लास, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और फादर ऑफ प्लांट और एनिमल टेक्सोनॉमी बोथ बोला जाता है। तो कंप्लीट अगर डिफरेंट आए, कोई कोई पूछे फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, तब भी यही है, मतलब ओवरऑल एंड फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। इनका क्लासिफिकेशन कैसा था? किस बेस पे था?
लीनियस क्लासिफिकेशन मतलब टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था। तो यहाँ से हम लोग शुरू होते हैं, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, किंगडम सिस्टम यहाँ से आता है। इनका क्लासिफिकेशन लीनियस ने किया कौन सा, टू किंगडम सिस्टम, ठीक है। टू टू किंगडम तो कौन कौन सा बताया होगा इन्होंने, अमिताभ बच्चन वाली बात हमेशा बोली है, एक दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, तो इन्होंने हर चीज टू किंगडम सिस्टम ही बात किया। जैसे आप नामन क्लेचर इन्होंने दिया था पहले चैप्टर में टू सिस्टम ऑफ नेचर में, तो उसमें मतलब क्लासिफिकेशन बायनोमियल नामन क्लेचर इन्होंने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो कौन कौन सा किंगडम इन्होंने बताया होगा, बता सकता है कोई? टू किंगडम तो प्रोटिस्टा, एक देखिए इन्होंने बोला मतलब प्लांट प्लांटी बोल प्लांट दिया, एनिमल, और एनिमलिया, एनिमल एनिमेलिया बोल दिया, ठीक है। प्लांट एंड एनिमलिया। और इन्होंने बेसिकली बोला था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ओनली, मतलब एक तरह से मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, हाँ, सेल वाल ठीक होती है, है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऊपर के स्ट्रक्चर पे, तो एक जिसमें सेल वॉल होगा उसे मतलब बोल दिया इन्होंने क्या, प्लांटिंग, मतलब प्लांट को क्लासीफाई प्लांटी में, और एनिमल को क्लासीफाई एनिमेलिया, मतलब इन्होंने दो किंगडम सिस्टम क्लासिफाई किया। अब इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे, डीमेरिट क्या हो जाएंगे, आप डीमेरिट यहाँ पे हम लिख नहीं रहे, आप अपने से बता सकते हैं कि जैसे प्लांट और एनिमल के अलावा भी बहुत सारे लिविंग बींग हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इगुलीना हो गया, स्पायरो गैर हो, इनके बारे में कोई क्लासिफिकेशन नहीं, इन्होंने सबको उसी में डाल दिया, ठीक है, इसलिए इनकी डीमेरिट है, हम डीमेरिट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक। तो आप अपने से वो कर सकते हैं, अगर कोई डीमेरिट आता है तो मतलब दो को कंसंट्रेट करिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आता है, अभी हम नीचे फिगर दिखा रहे हैं, मतलब बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर, ये सब नाम दिया हुआ है आपके बुक में, तो याद रखना इन्होंने कौन सा सिस्टम क्लासिफाई किया बेंथम ने एंड है? हुकर्स इन्होंने नहीं भी नेचुरल क्लासिफिकेशन करना। इनके लिए बोला जाता है, बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, और बेसिकली स्पर्मेटोफाइट प्लांट मतलब जो क्लासिफाई किया था वो, और मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे तो थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इन्होंने एक तरह से दिया था। तो यहाँ पे इनकी बुक पूछा जाता है, बुक नेम जेनरा प्लांटेनम, जेनरा प्लांटेनम, और बेसिकली मतलब कि नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन मतलब कि ऑफ स्पर्मेटोफाइट, मतलब स्पर्मेटोफाइट है, जिसके बाद स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड होता है, प्लांट विथ सीड, तो इन्होंने मतलब प्लांट विद सीड को जैसे जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन, इस तरह से मतलब क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन क्या था, नेचुरल था, ठीक। डीमेरिट क्या हो गया, जैसे उसमें अगर अलग और जीव से जिम्नोस्पर्म के अलावा जो आ गए तो उसका क्लासिफिकेशन इन्होंने नहीं बताया,
ओवरऑल अगर देखा जाए ये सब हम लोग एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं, सबसे बड़ी बात। ठीक, अभी हम लोग जैसे टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम छोटा सा यहाँ पे बना हुआ होगा, मैं दिखा के बता दे रहा हूँ। नहीं है ये, आप देख सकते हैं यहाँ से, याद रख सकते हैं टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था, कॉलिनियस, अगर कोई हाँ, हिस्ट्री से रिलेटेड। और टू किंगडम का एक तरह से आपको कौन दिया, आप मतलब कि एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ेंगे अरिस्टोटल, वो भी टू किंगडम सिस्टम की बात की है। तो यहाँ पे प्लांटी और एनिमिलिया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थ्री किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा अर्नेस्ट हैकल ने क्या प्रोटिस्टा और प्लांटी और एनिमिलिया तीन चीजें, एक नया इन्होंने क्या डिस्कवर किया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। ठीक है, पहले से दो था प्लांटी और एनिमिलिया, और कोपलैंड फोर किंगडम सिस्टम दिए, और इन्होंने नया मतलब कि एक किंगडम मोनेरा, डाला कौन सा, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। और प्रोटिस्टा देखिए इनके द्वारा डिस्कवर किया गया, उसके बाद प्लांटी और एनिमिलिया। फिर बेटिकर का जो फाइव किंगडम सिस्टम है 1969 का, सबसे फेमस है, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम सिस्टम है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यही एनसीईआरटी में दिया है अभी ऊपर से। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, फंगाई, एक नया किंगडम डाला कौन सा, फंगाई, मोनेरा देखिए पहले से, प्रोटिस्टा पहले से, प्लांटी और प्लांट एनिमिलिया तो सबसे पहले से, ठीक है। तो इसके बाद सिक्स किंगडम सिस्टम है, लेकिन आपको स्टडी नहीं करना, थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे, दो हुज के द्वारा दिया गया, और इसने मोनरा में फर्दर डिवीजन किया, मोनेरा में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ हुज का कॉर्लोज, ठीक है, एक सिक्स किंगडम, यानी कि यहाँ इन्होंने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन बताया, मतलब पूरे मतलब लिविंग वर्ड को तीन डोमेन में डिवाइड कर दिया, थ्री डोमेन। देखे कार्लोज, एक आर्किया है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है थोड़ा बहुत, मतलब कि आर्किया मीन्स एंटीबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, यानी कि मोनेरा में दो क्लासिफिकेशन कर दिया, एक आर्किया और एक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया दो, और एक यूकेरिया। यूकेरिया मतलब आप मोनेरा के बाद, मोनेरा के बाद कौन सा आ गया, प्रोटिस्टा, फंगाई, मोनेरा, और बताइए, प्रोटिस्टा, हाँ, फंजे, प्लांटे, एनिमिलिया। प्लांटी, एनिमिलिया, ये सबको क्या इन्होंने एक डोमेन में रखा, कौन सा, यूकेरिया, क्योंकि यूकेरियाटिक होते हैं ना सारे, यूकेरियाटिक होते हैं ना, यूकेरियोटिक होते हैं। इसलिए हाँ, ये सारे यूकेरिया रख फंजे, दिया, हाँ यूकेरियाटिक, प्रोटिस्टा से लेके एनिमिलिया एनिमिलिया तक तक, सारे यूकेरियाटिक हो गए। और इधर यूकेरिया। आर्कियो, आर्किया में एक्सट्रीमली मतलब इस एक्सट्रीम मार्फो फाइल, मतलब जो मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, मैथो नोजन रूमन ऑफ द एनिमल में रह सकते, हेलो फाइल होते हैं, थर्मोसिडो फाइल जो बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं, या मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी जीवित रह सकते हैं, वैसे बैक्टीरिया को यहाँ आर्किया बोला गया। बैक्टीरिया बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया जैसे बोलना जाए, साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बेनिफिशियल, पैथोजेनिक, ये सब जो भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे अभी, तो ये सिक्स किंगडम सिस्टम दिया है, तो हम लोग बेसिकली पढ़ना है फाइव किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस में मेन है, तो आर एच वेटिकर के द्वारा कौन सा दिया गया, ये नाम ठीक सब याद रखना है, है सर, और यहाँ तक कि ईयर भी याद रखना है, पुराना नाइनटीन क्वेश्चन में सिक्सटी आएगा, ईयर ही पूछ लिया नाइन गया था, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया। तो इन्होंने प्रपोज किया फाइव किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम, आप लोग बता सकते हैं कि इन्होंने कौन सा नया किंगडम इंसर्ट किया, फंजाई, फंजाई। फंगाई, ठीक है, तो इन्होंने नया मतलब किंगडम, और ए क्लासिफिकेशन जो है किसके बेस पे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ए क्लासिफिकेशन
जो फाइव किंगडम सिस्टम है किसके बेस पे है? द कह सकते हैं द मेन क्राइटेरिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल, क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब ऑन द बेसिस आप जो, ठीक है, तो कौन कौन सा मेन क्राइटेरिया था? तो फर्स्ट बता सकता कोई, मतलब कि पहला इन्होंने सेल स्ट्रक्चर पे, हाँ अच्छा, सेल स्ट्रक्चर और सेल वाल। मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्ग, ये वाला का नहीं याद है सर, ये वाला। ये याद रहना चाहिए, और अभी हम चार्ट भी दिखाते हैं, एनसीईआरटी बना, वो याद रहना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म कैसा है, कॉम्प्लेक्स सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे आप मतलब कह सकते हैं बॉडी ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, मतलब यूनिसेलुलर है कि सेलुलर है, कि टिश्यू लेवल का है, कि ऑर्गन लेवल का है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इस पे इन्होंने बताया, ठीक। उसके बाद फोर्थ देखा जाए, यानी कि रिप्रोडक्शन लाइफ स्टाइल कैसा है, रिप्रोडक्शन, इनकी लाइफ स्टाइल। फिफ्थ देखा जाए फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलो जेनेटिक रिलेशन सी, इसके बेस पे इन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई किया, ठीक है। अब जैसे मोनेरा में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल प्रोकैरियोट आ जाएगा, हाँ, जैसे प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। यूबैक्टीरिया, रिकेट्स, क्लेमाइड, एक्टिनोमाइसिटी बी, ब्लूरीनेलगा, आर्कियोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा सब, ठीक है। अब हम लोग चार्ट पे आते हैं सीधे, तब हम लोग थोड़ा सा वहां से थोड़ा सा करते हैं, जैसे देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ये जैसे वाला चार्ट मोनेरा देखेगा। प्रोटिस्टा ऑफ सिक्स किंगडम सिस्टम में देखिए क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, और फंगाई हो गया, प्लांटी एनिमिलिया। अब देखिए सेवन किंगडम सिस्टम भी इसमें दिया है, यू बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, क्रोमिस्ट, क्रोमिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, ये आप में है नहीं दोनों, ठीक है। हाँ यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया तो उसका है ना, मेरा का सब डिवीजन। तो आगे जब सिक्स किंगडम सिस्टम उसी में बना दिया गया ना ट्रेडिशनली, मतलब इसी डोमेन के बेस पे इन्होंने हुज ने क्लासिफाई कर दिया, फाइव किंगडम सिस्टम तो ये हो गया, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एनिमेलिया, ठीक है। इसको सिक्स किंगडम सिस्टम बनाने के लिए इसमें बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब मोनेरा में तो किंगडम इन्होंने बना दिया किंगडम, ठीक है। ये तो डोमेन के बेस पे इन्होंने डिवाइड किया था, ये थ्री डोमेन, थ्री डोमेन आपको पूछा गया है, ठीक है, लेकिन सिक्स किंगडम आपको लिख दिया, हायर स्टडी आपको करेंगे तब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले मोनेरा, यानी कि फाइव किंगडम सिस्टम ही पूरा डिटेल में कर रहा है, तो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी एनिमिलिया, ठीक है। सेल टाइप है, यानी कि प्रोकैरियोटिक होगा, मोनेरा ही केवल प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी क्या हो गया, सारे यूकैरियोटिक होंगे, ठीक। सेल वाल, अब मोनेरा में जैसे नॉन सेलुलोजिक होगा, यानी कि सेल वाल मोनेरा में बैक्टीरिया में होगा और प्लांटी में होगा, ठीक है। और यहाँ पे फंगाई में कभी कभी रहता है सेल वाल प्रेजेंट रहता है ना, काइटिनियस होता है, काइटिन का बना होता है ना, इसका सेल वाल हाँ काइटिन का बना होता है, ठीक
है, और इसमें प्रेजेंट होगा इन सम, किसी किसी में हो सकता है प्रोटिस्टा, बाकी कंप्लीटली एब्सेंट होगा एनिमिलिया में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, मोनेराज यानी ये भी सेलुलर लेवल का, बाकी मल्टी सेलुलर यानी कि पूछा जाता है यूनिसेलुलर यूकेरियाट कौन है, प्रोटिस्टा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंगाई क्या है सबसे, अरे मोनेरा सबसे डाइवर्सिफाई है, इसमें सारे तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक कीमोट्रॉपिक सेप्रोफाइटिक सब होगा। ठीक है, प्रोटिस्टा में तो ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक हो गया, इसमें हेटरोट्रॉपिक हो गया या सेप्रोफाइटिक बोलते हैं सड़े गले चीजें, ऑटोट्रॉपिक होगा पूरा कंप्लीटली प्लांट। इसमें भी कहीं कहीं पे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट देखते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट वगैरह कंज्यूम करते हैं। तो ये हमें मोड ऑफ फाइव किंगडम का आना चाहिए। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा इसका फिगर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये प्लांट फाइव किंगडम सिस्टम एनसीईआरटी का है, ये पूरा कंप्लीटली याद रहना चाहिए। ठीक है, मोनरा देखिए यहाँ पे प्रोटिस्टा फंगाई प्लांट एनिमिलिया सेल वॉल प्रोकैरियोटिक बाकी यूकैरियोट हो गया, और सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक यानी कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड होता है, कई बार एग्जाम में आया है, प्रेजेंट होगा इन सम प्रेजेंट विद काइटिन फंगाई में, और इसमें प्लांटी में पूरा सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, इसमें एबसेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें एबसेंट बाकी में सारे में प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक है, यूकैरियोट मतलब क्या होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है। बॉडी ऑर्गेनिज्म सेलुलर होगा, सेल वॉल सेलुलर होगा, मल्टी सेलर इधर साइब होगा, यहाँ भी सम एक्सेप्शन होगा, जैसे यूनिसेलुलर फंगाई कौन होगा ईस्ट होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉपिक और सेप्रोफेटिक, ये सब ऑटोट्रॉपिक इसमें हो गया, फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रॉपिक और सब में, अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा किसमें है मोनेरा में। और यहाँ पे साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल भी याद रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ जगह है ऊपर से हम लोग करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इसमें जरूर याद रखना है आपको। ठीक, जैसे इसके एग्जाम्पल बताइए अभी से याद करते चलिए, इसका एग्जाम्पल मोनेरा सुनो। का एग्जाम्पल बताइए जो जो याद आए। मोनेरा का है? बताइए आर्य। मोनेरा का देखिए एग्जाम्पल नहीं क्लासिफिकेशन भी याद रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आप स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया, और वो थर्मस एक्वाटिकस, और कहाँ कहाँ दिमाग जा रहा है, यही होता है हम लोग दिमाग जो होता है ना बहुत कॉम्प्लेक्स। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किया यू अच्छा, उसके साथ बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया ये सब नहीं आपने याद है एग्जांपल आपको, बोला। ब्लू अच्छा, एग्जाम्पल ही तो बोल रहे हैं, ब्लू ग्रीन एंटीज। एक्टिनोमाइसिटीज ब्लू गे आर्कियो बैक्टीरिया ये सब पढ़ ही चुके हैं यार कहाँ पे, और माइकोप्लाइमा पीपीएलओ जिसे बोलते हैं ये सब नहीं याद है। ठीक अच्छा, है, अब इसमें प्रोटिस्टा में कुछ एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद करते चलिए, बार बार पूछेंगे जिससे याद रहे। प्रोटिस्टा ठीक के एग्जाम्पल बताइए, बताइए है बताइए सर। एग्जाम्पल इसमें क्या क्लासिफिकेशन? आप प्रोटिस्टा। डायनोफ्लैजिलेट वगैरह है, डायटम्स वगैरह। हाँ बताइए, मोनेरा का मैंने एग्जाम्पल लिखा, ठीक बताइए। प्रोटिस्टा हाँ प्रोटिस्टा के का, एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा तो यूकेरियोट होता है, ये भी हो जाएगा ना। हाँ ऑल द यूनिसेलुलर यूकेरियाट होगा, सेलुलर यूकेरियाट सेकंड किंगडम जो है। अब इसके एग्जाम्पल बताइए कुछ, अभी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अभी से याद करते चलिए, एग्जाम्पल याद रहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे इन्होंने बताया डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है सही है डायनो फ्लैजिलेट, और यहाँ पे उसके जो सेकेंडरी नेम होते हैं
समझ रहे हैं? ठीक है, उसको भी याद रखना है। डायनो फ्लैजलेट को क्या वगैरह बोलते क्या? हैं? क्या बोलते हैं? फायर एल्गा बोलता है, आग तरह होता है ना, लाल लाल रहता है ना डायनो फ्लैजलेट, मतलब फायर रेड टाइड वगैरह आता है इसी की वजह से ना, जो लाल समुंदर की बात करते हैं। ठीक अच्छा है, डायटम्स, डायटम्स चीफ मटेरियल होता है, नहीं डेसमाइड होता है, डेसमाइड जो डायटम मतलब बड़े बड़े समुद्र के अंदर पहाड़ होते हैं इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए? गोल्डन एल्गा, इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गा। देखिए एल्गा के बारे में आपको बहुत अलर्ट रहना है। एल्गा में एक क्वेश्चन आता है, एल्गा किस किस किंगडम में पाया जाता है, कोई बता सकता है? एल्गा नाम से कौन कौन से किंगडम में आता है, बता सकता है कोई? एलगी मतलब रूगेने लगे हो गए ना। ट्रू एल्गे तो मतलब ये नहीं है, ट्रू एल्गे कहाँ पाया जाएगा? प्लांटी में पाया जाएगा, प्लांटी में, हाँ प्लांटी 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 में पाया जाएगा एल्गा, इस पर ट्रू एल्गा पाया जाएगा। अभी हम लोग मोनरे में पढ़े ब्लू ग्रीन एल्गा, बीजीए, तेबी हाँ एल्गा, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसके। प्रोटिस्टा में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि फायर एल्गा हो गया, डायनोफ्लैजिलेट, गोल्डन एल्गा हो गया। ठीक है, तो ये सब पाए जाते हैं कहाँ? प्रोटिस्टा, यानी कि थ्री किंगडम में एल्गा पाया जाता है, एल्गा नाम से, ब्लू ग्रीन एल्गा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी में ट्रू एल्गा पाया जाता है। ठीक, तो नाम अभी से याद करते थोड़े थोड़े चलिए। युगलीना किस में पाया जाएगा? प्रोटिस्टा में ही पाया जाएगा युगलीना। युगलीना को क्या बोलते हैं? युगलिनॉइड। और युगलिनॉइड क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इवोल्यूशन भी पढ़ चुके हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच में? प्लांट, प्लांट और एनिमल। प्लांट एनिमेलिया, क्योंकि ये जब लाइट रहेगा तो अपना भोजन बनाने लगेगा, नहीं लाइट रहेगा तो हेटरोट्रोपिक हो जाएगा, मतलब क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और बाकी आप जानते हैं स्लाइम, स्लाइम मोल्ड को क्या बोलते हैं? अरे स्लाइम फॉल्स, फॉल्स फंगाई बोला जाता है। ठीक है, तो फंगाई भी दूसरे में आ गया, इसे फॉल्स क्या बोलेंगे? फंगाई बोलेंगे। भाई प्लीज नाम याद रखिएगा, आप एक पेज पे सारे नाम या लिख के किस किंगडम में पाया जाता है याद रखिएगा। ठीक है सर। प्रोटोजोन, तो सारे क्वेश्चन आपको सही हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे बेसिक फोकस यही करना है, इसलिए हम यहीं से याद करते हुए चल रहे हैं, नहीं तो मैं अभी ये पढ़ाता तो वहां लिखता है, अभी फिर लिखेंगे, आपसे पूछेंगे, आप ध्यान देते रहिए। ठीक, इसके बाद किंगडम है, प्रोटिस्टा के बाद फंगाई, फंगाई बताइए। अब यहाँ पे देखिए फंगाई का एक किंगडम ही है, तो यहाँ पे सारे फंगाई क्या कहेंगे? ट्रू फंगाई। अभी फॉल्स फंगाई क्या होता है? स्लाइम मोलेड, फॉल्स लाइम मॉल्स होते हैं एक्चुअली। फंगाई, ये याद एकदम रट्टा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? ऑल द ट्रू फंगाई, ऐसे आप आज लिख के ऐसे सारे याद रखिएगा आप। ठीक है, इतना काम है। फाइकोमाइसिटीज, और इसके भी सेकेंडरी नेम याद रखिएगा, एस्कोमाइसिटीज, ये इसके क्लास हैं, बेसिडोमाइसिटीज। इसको मैसेज में सीडियो में हाँ, सिटी ये सब डिटेल में पढ़ना है, बेसिडोम प्लांटी वाले में, ड्यूट्रोमाइसिटीज। वीडियो माय सिटीज। अब फंगाई के तो क्या बोलते हैं? फंजाई तो यूकेरियोटिस होती ना, फंजाई भी यूकेरियोटिस। यूकैरियोटिक होता है स्टडी को, फंगाई के स्टडी को क्या बोलते हैं? फंजाई के स्टडी को सर माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। ठीक माइकोलॉजी है, और एल्गा के स्टडी को फाइकोलॉजी। ये बहुत पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिए, हम लिखने माइकोलॉजी वाले नहीं। माइकोलॉजी ऑल द मल्टी सेलर यूकैरियोटिक प्लांट, प्लांटी में,
यू कैरियोटिक प्लांट। तो इसमें एग्जाम्पल यानी कि कह सकते हैं लगा आ गया एलगी इसमें, यानी कि ट्रू एलगी आएगा, जैसे ग्रीन एलगा हो गया, ब्राउन एलगा हो गया, रेड एलगा, सारे इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, ग्रीन एलगा। ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी, ये डिटेल में पढ़ेंगे, और रेड एलगा। ठीक है, और इसके बाद ब्रायोफाइटर, ब्रायोफाइटर, इसके बाद क्या आ जाए, टेरेडोफाइटर। अब इसमें भी एग्जांपल याद रखेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, बाकी आप एनिमिलिया के एग्जाम्पल जानते हैं, आल एनिमिलिया, मतलब आल द मल्टी सेलर यूकैरियोटिक एनिमल। यूकेरियोट्स और बेसिकली चार्ट तो दिया है, उसको याद रखना। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम, एक्सेप्शन क्या है फाइव किंगडम सिस्टम को, जिसको क्लासिफाई नहीं किया गया, बता यही सकते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यही आएगा, मोनेरा प्रोटिस्टा। इन फाइव किंगडम सिस्टम। मोनेरा प्रोटिस्टा तो उन्होंने क्लासिफाई किया भाई, इस चैप्टर में लास्ट में दिया है, यानी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया, प्रियोन्स अच्छा, वायरस, वायरस, वायरॉन्स और प्रियॉन्स। हो गया, एंड लाइकेन हो गया, इनको मेंटेन नहीं किया। ये हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है छोटे से पार्ट से कम तीनों में, वायरस, वायरॉइड और प्रियोन में डिफरेंस कोई बता सकता है? बताइए, वायरस वेरवाइड किसे बोलते हैं, वेरवान किसे बोलते हैं, बता सकता कोई? डिफरेंट तो सर, बेसिकली बताइए, एकदम क्लियर बताना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। हम तब तक दूसरा लिख रहे हैं, आप सोचने का 1 मिनट मिल रहा है। तीनों में डिफरेंट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में दिया है। लास्ट पार्ट में दिया है सर, एनसीईआरटी हाँ, का। लेकिन डिफरेंट आपको ओरली आना चाहिए, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। तो वायरस, हाँ, तो वायरस किसे बोलते हैं? वायरस में डीएनए या एनए आरएनए होता है, और वो भी होता है प्रोटीन का शेल। वायरस शायद सिर्फ आरएनए होते हैं, और प्रियॉन सिर्फ प्रोटीन। ये सही है। ठीक है, मतलब कि जो वायरस होता है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल एक ही होगा, बहुत नहीं होगा कभी, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, सबसे फेमस क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो विथ प्रोटीन के साथ, ठीक है, यानी कि सेल वाल जो, मतलब सेल उसका बना होगा प्रोटीनियस का होगा, जेनेटिक मटेरियल एक तरह से किसका होगा, आरएनए आर डीएनए का होगा। अब वो या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होगा, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वीरोइड, वीरोइड क्या है कि ये ओनली जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि प्रोटीन इसमें एबसेंट होगा, और फेरॉन मतलब कि ओनली प्रोटीन होगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब आगे
चलिए, ये हम लोग फाइव किंगडम सिस्टम से बहुत सारे बातें कर लिया, ठीक है इसमें, ठीक। और अब हम लोग आगे एक एक किंगडम पढ़ेंगे, मोनेना से स्टार्ट करेंगे। यहाँ थोड़ा बहुत आप पिछले चैप्टर का है, सिस्टम अटैक किसे बोला जाता है आप जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, नीचे शिफ्ट हो गए, पूछ के बारे में कहा गया। ये यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब थोड़ा थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन पहले बता दिए, कार्ल हूज दे दिया था, एंड हिज को वर्कर दे क्लासिफाई ऑर्गेनियम बेस्ड ऑन डिफरेंट इन 16 sRNA जीन, इस पे बेस। अगर बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आता है ये पूछा जा सकता है, किस पे? थ्री डोमेन सिस्टम एट द टैक्सोन, यानी कि डोमेन हायर देन द किंगडम, मतलब कि किंगडम के ऊपर इन्होंने एक चीज बताया जिसे डोमेन बताया। अब डोमेन मतलब थ्री डोमेन, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया, हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आर्किया में उन्होंने डिवाइड किया है और बहुत सारे, ये आप सीख चुके हैं, ठीक। तो हम लोग अब एक एक किंगडम को लेके स्टडी करेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं क्योंकि हमें ज्यादा इसमें दिखाना नहीं, फिगर वगैरह, ठीक। तो बात करेंगे बाकी, फिगर रहेगा तो ऊपर से हम लोग देखें। ये लास्ट चैप्टर करा था फिगर। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट, ये फिगर का क्वेश्चन आया था सर। हाँ हाँ आएगा, हम दिखाएंगे जहाँ जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे भाई, ठीक है। जहाँ जरूरत रहेगा वहां दिखाएंगे, इसलिए फिगर एनसीईआरटी वाला याद रखना। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा को हम लोग क्या ब्रैकेट में लिख सकते हैं? प्रोकैरियोट सारे, प्रो कैरियोट्स, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम, ऐसा बोलते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। अब देखिए, जब भी हम लोग इस मतलब कि मोनेरा किंगडम का स्टडी करेंगे, तो मतलब किसी भी, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक वगैरह में क्लासिफाई किए थे, ऐसे जब किंगडम वगैरह का ग्रुप स्टडी यहाँ पे लोअर प्लांट या हायर प्लांट का स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले क्या कहाँ पे हैबिटेट है वो देखा जाता है। हैबिटेट कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर में सब कुछ आ जाएगा, मतलब किस तरह के बना है, सेलवाल है कि नहीं है, साइटोप्लाज्म है कि नहीं, बहुत सारे चीज स्ट्रक्चर, ये हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर दे रहे हैं, इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा पार्ट यहाँ पे कह सकते हैं, स्ट्रक्चर के बाद फंक्शन, मतलब कैसा है फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसका, कैसे है स्ट्रक्चर में ही आ जाएगा लेकिन फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फंक्शन। और इसी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन में देखा जाए, अगर हम लोग इसको थोड़ा, क्योंकि रिप्रोडक्शन कैसा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल है, ए सेक्सुअल है कि बोथ है, ठीक है, समझ रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस होगा, मेन किसी भी लिविंग का मेन फंक्शन है यह कि अपने प्रोजेनी करना, ठीक है। फिफ्थ कह सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। और एक लास्ट मतलब कि सबसे, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन से इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो पूरा हम लोग फोकस इसी पे करेंगे, अगर आप मतलब कोई भी इसमें पैसेज कोई भी लाइन पढ़ेंगे तो आप इसी पे फोकस करिएगा, ठीक है, कि
क्या क्या दिया है, मतलब कि हैबिटेट कहाँ पे पाया जाता है। अब हैबिटेट देखिए, लिखने के लिए आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। लिखने के लिए जैसे मान लीजिए रिटन एग्जाम आ रहा है, तो एक लाइन लिख दे तो आपका वहां से स्टार्टिंग हो गया, लेकिन वहां से क्वेश्चन कम आता है, ठीक हैबिटेट से। लेकिन स्ट्रक्चर वगैरह से क्वेश्चन आता है, हम यहाँ पे मेन करेक्टरिस्टिक का प्रोकैरियोट इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आगे का भी यहाँ पे डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो पार्ट दिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया आप जानते हैं सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक। तो अभी के लिए हम लोग इसी, और बेसिकली सब कुछ क्या फोकस्ड है, ये जो हमने 0.6 पॉइंट लिखे हैं इसी पे। हैबिटेट पहले हम लोग खोजेंगे कहाँ पे पाया जाता है, मान लीजिए मोनरा कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यही बताएगा ना मोनरा कहाँ पे मिलते हैं, ठीक। तो उस पे बहुत ज्यादा हम लोग नहीं हैबिटेट पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमें लिखना तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक पे, मेन करेक्टरिस्टिक आप प्रोकैरियोट, तो करेक्टरिस्टिक आप प्रोकैरियोट कह सकते हैं। स्टिक और हाँ, मतलब एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है आपको, नए वाले जो है, ठीक, आप पुराने वाले भी पढ़ सकते हैं, बस आपको फोकस करना रहेगा कि मतलब कि जो भी पोर्शन कटा हुआ है यहाँ से, तो कोई कटा नहीं है ना। इसका मतलब नई वाली एनसीईआरटी भी खोजना पड़ेगा। नहीं नहीं खरीदिएगा, ठीक है, अच्छा वही पढ़िएगा, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक का प्रोकैरियोट, पूरा प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये यार हटा देते हैं, बार बार नीचे करना अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट देखिए सेल वाल, अब सेल वाल से क्वेश्चन पूछा जाए, स्ट्रक्चर पे आ गए ना। सेल वाल बताइए किसका बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, बताइए सेलुलोज की सेल वाल होती है। क्या। यार आप तो एकदम बंटाधार कर दिए, एकदम गलत अरे गैलेक्स है। अरे गैलेक्स किस नहीं किसका बना होगा, सेल वाला प्रोकैरियोट मेड अप ऑफ, अच्छा प्रोकैरियोटिक किस वो सेलुलोज प्रोकैरियोट्स ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन, और इसमें म्यूरिमिन हम लोग ऊपर लिखे थे, म्यूरिमिन सब इसमें से आता है क्वेश्चन, म्यूरिमिन व्हिच इज ए टाइप ऑफ, ऐसा भी पूछा लग यार, म्यूरिमिन किस टाइप का है, तो म्यूकोपेप्टाइड होता है, म्यूकोपेप्टाइड, ठीक। यानी कि एक सिंगल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि सेल वॉल दो तरह से होता है, एक सेलुलोजिक होता है, एक नॉन सेलुलोजिक होता है। तो यहाँ पे आप इतना तो बोल ही सकते थे नॉन सेलुलोजिक होता है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ऊपर, तो पेप्टाइडो ग्लाइकन इज मेड अप ऑफ, मेड ऑफ किसका बताइए, किसका होगा मेड ऑफ, पेप्टाइडो ग्लाइकन किसका मेड होगा। अरे भैया कुछ तो पढ़ लीजिए, अरे अच्छा ऐसे भी नहीं सर लिखे। मतलब कुछ आ ही नहीं रहा जो प्रोटीन अबे अबे भाई आप लोग डिवाइड नहीं करते हैं, पढ़ चुके मॉलिक्यूल में, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, पॉलीसेकेराइड प्लस तो क्या अमीनो एसिड मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो नाम को जोड़ दीजिए,
अमीनो एसिड मिलेगा तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, तो पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया भाई। इतना तो याद ही रखना पड़ेगा, ये कई बार क्वेश्चन आता है। चलिए इसके बाद सेलवाल हो गया, इसमें दूसरा क्या आ जाएंगे बताइए, सेल मेम्ब्रेन, समझ ले साइटोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताइए। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, ये भी भूल गए होंगे, ये तो कोई भी बता देगा बच्चा। सेल बताइए बताइए, ब्रेन, आर एन ऐसा। आई भाई, आप लोग रिवाइज किया करिए यार, थोड़ा अरे सर क्या है सर, कॉन्फिडेंस ब्रेन लगाइए लिपिड्स याद ही नहीं आ रहा मेरे भैया। को। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंट किए थे हम लोग? नहीं सेम होता है। तो सेम होता है, सेम मतलब बल्जिंग हो जाता है केवल, लेकिन मटेरियल सेम रहता है, सेल वॉल उसमें नहीं होता है, मतलब वो कि लिपिड से बना एनिमल। होता है ना, बाय बाय बताइए। लेयर, हाँ बाय लेयर, किसका बाय लिपिड लेयर, भी क्या होता है, होगा? प्रोटीन भी होता है, शुगर भी अबे होता है। भाई इतना तो बोल ही सकते हैं, लिपो प्रोटीन का बना होता है, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन का, ये पढ़े नहीं है बताइए। ये लिख दे रहे हैं, यूकेरियोट, ये हम स्किप कर सकते थे ये सब। सर यार तो सब गड़बड़ हो जाता है कहीं कहीं। नहीं यार, तो थोड़ा कॉमन सेंस वाला भी चीज लगाया करिए, ठीक है? और थोड़ा सा सोचिए ना ये, कि कहाँ पे डिफरेंट था कहाँ पे नहीं। 20 से पूछ लेते हैं, मेड अप ऑफ लिपो प्रोटीन, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन। अब अपने प्रोटीन दिमाग में वो पूरा आपको स्ट्रक्चर याद आना चाहिए, कि मतलब कि कैसा होता है, किस तरह का होता है, और किन की मतलब थियोरी मोर एक्सेप्टेबल है, ठीक है? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें इसमें दूसरा पॉइंट इसी में कह देंगे, द स्पेस स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, हो जाएगा ना स्पेस, सेल मेम्ब्रेन वाले इज नोन एज, सेल नोन एज, किसी के बीच में स्पेस होता तो हमने बताया था, क्या बोलते हैं उसको, साइटोलॉजी में बताया वाले था, बताइए, किसी इसको के बीच में स्पेस, मतलब दो लेयर के बीच में स्पेस होता है तो उसे क्या बोला जाता है? अरे भाई जैसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला गया था, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया डबल लेयर सर वाले में, तो पेरी बोला जाता है वेरी। पूरे हाँ बायोलॉजी में, तो पेरी हो गए, यानी कि पेरी प्लाज्मिक स्पेस बोलते थे यहाँ पे, ठीक है? और दिस स्पेस मतलब एक तरह से ऑनालॉगस होता है, इसलिए हमें लिख रहे थे ये स्पेस प्रोकैरियोट में क्या काम करता है, दिस स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम बिकॉज, लाइसोसोम के मतलब एनालॉगस होगा, बिकॉज इन दिस स्पेस, लाइसोसोम क्या करता है भैया, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो ये आपने बताया था कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है। सब जगह बताया था, और ये भी बताया था मैंने कि कहीं पे दो लेयर के बीच में स्पेस रहता है, पेरी लगाया जाता है,
जैसे वहां पे आप ये, पेरी हाँ ये तो, ये तो नोबिलिस, बताया था, ये याद है, हाँ, शायद और ये नहीं पेरी बताया था सर बात, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और जब तो मतलब प्लाज्मा के बीच में आए पेरी प्लाज्मिक स्पेस हो गया। तो जो सेल वॉल होती है उसमें छेद होते हैं क्या? और क्या, कौन से सलवार में? सलवार में पूरे पोर बहुत माइन्यूट पोर है, जैसे लेंटिकल बोलते हैं, अच्छा, उसके थ्रू ठीक है। जाता है। तो ये तो मतलब सलवार के ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, सुबराइज भी होता है, अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे सलवार और जैसे ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में स्पेस ज्यादा होता है क्योंकि एक्सचेंज होता है वहां पे, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, इसलिए हमें डिटेल में बता दे रहे हैं भाई, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं पढ़ पढ़ के, ठीक। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बारे में बताइए, प्रोकैरियोटिक कैसा होगा, कौन सा ऑर्गेनेल इसमें नहीं होगा? इसमें एक तो वो नहीं होगा, एक वर्ड में बताइए पहले, कौन सा ऑर्गेनेली नहीं, ऑर्गेनेली में जान रहे ना, हाँ सर, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, हाँ और वो भी नहीं मतलब होगा, वो कि वाला राइबोसोम, एटीएस। द साइटोप्लाज्म। भाई आप लोग साइटोलॉजी क्यों भूल गए, पहले वाला पढ़ा हुआ है आप लोग, यार पुराना रिवाइज करिएगा भाई, हमारे भरोसे भी रहिए लेकिन अपने से भी पुराना नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो एकदम आपको नया नया लगेगा फिर। ठीक है ये हो गया, चलिए दूसरा पॉइंट इसमें। अब इसमें देखा जाए तो एक तरह से इनसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, जो मतलब कि इमेच्योर टाइप का रहता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा, जीनोफोर न्यूक्लियॉइड ये सब कहते हैं ना, कहते हैं ना न्यूक्लियॉइड, फाइब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए मतलब प्रोकैरियोट एक न्यूक्लियस इनडिस्टिनेक्ट बोलते हैं, न्यूक्लियस लिख दे रहे हैं, वर्ड पूछा जाता है इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है, इज इन डिस्टिनेक्ट, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होता, प्रो मतलब इमेच्योर रहता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस कैसा होगा, आल्सो नोन एज इनडिस्ट, न्यूक्लियस इज इनडिस्टिनेक्ट यानी कि नोन एज, ऑल्सो नोन एज, क्या क्या नोन बोले जाते हैं बता दिए, इनसिपिएंट, इनसिपिएंट न्यूक्लियस, एक तो इनसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं इसको, सब अलग अलग नेम से बोलते रहते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस। दूसरा जीनोफोर भी बोल देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड आपने सुना ही होगा, न्यूक्लियोइड ना, न्यूक्लियोइड, और इसी को मतलब कि, या मतलब क्या बोलते हैं, फाइब्रिलर न्यूक्लियस, फाइब्रिलर न्यूक्लियस, तो ये सब बोलते हैं। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट अराउंड न्यूक्लियस कह सकते हैं, पूरा कंप्लीटली होता है, यानी कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट अराउंड, जो भी ये सारे ऊपर न्यूक्लियस हैं, इनसिपिएंट हो गया, जीनोफोर, गैनोइड हो गया, मतलब पूरा साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे थोड़ा डार्क ही मतलब कंसंट्रेटेड रहता है बस साइटोप्लाज्म में, हाँ आप देख सकते हैं फिगर अपने बुक में।
और इट आल्सो क्या रहता है, न्यूक्लियोलस रहता है कि नहीं? न्यूक्लियोलस यस सर, नहीं रहता, न्यूक्लियोइड रहता है, न्यूक्लियोलस नहीं रहता। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रोकैरियोट में एक तरह से ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं होता है, फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अच्छा, ट्रू क्रोमोसोम फॉल्स क्रोमोसोम में क्या डिफरेंट है? ट्रू क्रोमोसोम फॉल्स क्रोमोसोम। हाँ, पढ़ चुके ना आप लोग पूरा डिटेल। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर हम लोग फॉल्स क्रोमोसोम की बात कर लें, यानी कि एब्सेंट होगा ट्रू क्रोमोसोम किसमें? प्रोकैरियोट। और एक यूकैरियोटिक, आपने डिटेल में ये पढ़ा है। ये नीचे वाले के लिए है, ऊपर वाले मत मिला दीजिएगा। बताइए बताइए जल्दी। बताइए, फाल्स क्रोमोसोम किसे बोलते हैं भैया, जिसमें हमारे पास नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन विथ डीएनए प्रोटीन ना हो, प्रेजेंट उसे ना कहेंगे ना, हो। यानी कि देखिए फाल्स फाइल्स क्रोमोसोम इसमें होता है, इसमें प्रोकैरियोट में जो हम पढ़ रहे हैं। और ये फाइल्स क्रोमोसोम क्यों बोले, यानी कि कह सकते हैं पूरा कंप्लीटली एक तरह से यूकैरियोट की तरह नहीं होगा, और फाइल्स क्रोमोसोम मेड अप ऑफ किसका मेड रहेगा, यानी कि डीएनए कैसा होता है? अरे भाई, डीएनए ने प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है। क्या होगा, सर्कुलर होगा, नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक वो पॉली सर्कुलर एमाइड। सर्कुलर प्लास्टिड भी होगा और वो भी होगा हाँ, नेक्रोस। सर्कुलर होगा, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं यार, नेकेड डीएनए। खत्म समझ नहीं आ रहा ना, आप क्या पूछ रहे हो कभी कभी। भाई फाल्स क्रोमोसोम तो उसी को बोले, मान लिया ऐसे आ गया तो क्या करेंगे? सर वो तो फाल्स ऑप्शन देख के समझ क्रोमोसोम आना ऑफ पड़ेगा, क्रोमो हाँ तो ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा। चाहे जो, लेकिन भाई याद रहना चाहिए ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जितना आप वर्ड को ब्रेक करेंगे उतना गलत होने के कम चांसेस रहेंगे। ठीक, यानी कि कह सकते हैं क्रोमोसोम क्या होता है, फाल्स क्रोमोसोम कॉइल्ड क्रोमोसोमल रीजन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर अभी हमने बोला था इसको, इसको पूरा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड तो बोलते हैं यूकेरियोट नहीं, ऊपर अभी लिखा था। इसके अब्सेंट में यूकेरियाट में ये सर क्या होगा, सर्कुलर डीएनए नहीं होगा, लीनियर डीएनए विथ क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, नहीं लीनियर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। चलिए राइबोसोम बताइए, राइबोसोम किस टाइप का होता है? 20s only। 70S राइबोसोम। एग्जाम्पल, फिर से हम एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, अभी थोड़ी मतलब देर पहले पढ़ा। हाँ, एग्जाम्पल अब प्रोकैरियोट, बहुत सारे नाम हो सकते हैं लेकिन कुछ तो बताया जाइए, जैसे यू बैक्टीरिया, नहीं यानी कि यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया होता है। ठीक, और एक्टिनोमाइसिटीज, सी टीज, ब्लू ग्रीन एल्गा,
इसको क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा। और बहुत रिकेट्स भी बहुत पूछा जाता है, रिकेट टीसिया, रिकेटेसिया ना, क्लेम आईडी, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। अभी हम लिस्ट दिखा रहे हैं जितना आपको एनसीईआरटी। अब हमें बेसिकली बैक्टीरिया पे पढ़ना है, मेनली यू बैक्टीरिया के बारे में ज्यादा। फिर इसमें कुछ ये जनरल करेक्टरिस्टिक था एक तरह से, ठीक है, जो आपको ये हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ चुके हैं, साइटोलॉजी में पढ़ चुके हैं ना, ठीक, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हमें बेसिकली एक एक इसमें एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में उसको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल फेमस है शायद यू बैक्टीरिया, हमें पढ़ना है। तो यू बैक्टीरिया अब इस कहाँ पे पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, ठीक है, और इसमें यू बैक्टीरिया में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया बताइए किसने डिस्कवर किया होगा, फर्स्ट ऑब्जर्व डिस्कवर बता दीजिए। ये तो लिखा ही नहीं है एनसीईआरटी में। लिखा है लीवन हॉक, ढेर सारा हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्व इन रेनी वाटर एंड लेट अच्छा इन हाँ टीथ हाँ इसका लिखा है ना फर्स्ट। उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया था पहले, पहले हाँ, और उसको क्या बोला था, एनिमिक्यूल्स। हाँ एनिमल क्यूल मतलब कि, और उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था बहुत चिल्ला चिल्ला के, नाम क्या है। टाइनी कुछ कुछ टाइनी कुछ था शायद। टीनी मालिक्यूल, सीक्रेट याद ऑफ नहीं आ नेचर, सीक्रेट ऑफ नेचर, मैंने बताया हमने सीक्रेट। नेचर का सीक्रेट ढूंढ लिया, ठीक है, यही तो हाँ हाँ बोलेंगे जब छोटे छोटे चीज को आप पता लगा लेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने वो डिस्कवर किया था, मतलब खुद बनाया था अपना माइक्रोस्कोप, तो वो देख ही लेते लिविंग सेल भी। हाँ तो यही तो मतलब कि रॉबर्ट हुक ने, हाँ रॉबर्ट हुक ने क्यों नहीं देखा। रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं था, इनका ज्यादा अच्छा तो बेटर था, उनका एकदम सिंपल था, इनका थोड़ा लिविन सा हॉक ने अपना बेटर। खुद बनाया था माइक्रोस्कोप या कोई यूज किया था ऑलरेडी। हाँ अपने बनाए थे, अच्छा तभी और फिर उसके बाद अब आगे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दुनिया भर के आ गए। लीवन हॉक, और इनको बहुत सारा चीज, फादर ऑफ क्या बोलते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। और इन्होंने मतलब बैक्टीरिया नाम नहीं रखा था, कॉल्ड जैसे आपने अभी बताया, क्या बोला, ये पूछा जाता है आपके मॉलिक्यूल्स बुक में दिया है, एनिमल क्यूल, एनिमल लाइक मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसने अगर देखा जाए तो नेम बैक्टीरिया का किसने दिया था, नेम बैक्टीरिया गिवन बाय, या टर्न बैक्टीरिया गिवन बाय, तो मतलब ये कोहन और अर्नबर्ग ने बेसिकली दिया था, याद रख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई नहीं, बर्ग वैसे इन लोग नाम है आपके बायोलॉजी में। ठीक है, सेप यहाँ पे पूछा जाता है, सेप बताइए।
बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। बहुत सारे सेफ ऑन द बेसिस ऑफ सर्कल, शेप। सर्कल हो गया, रॉड लाइक हो गया। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग पेपर देते हैं तो आपको पता ही होगा। बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल भी एक दो याद रखना इसके साथ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेस पे। तो अभी आपने बताया कितने शेप के बेस पे, जैसे एक हमने मान लीजिए कोकस हो गया। कोकस मतलब, और इसको प्लूरली मतलब कोकी बोल देते हैं, ठीक है। बताइए, स्फेरिकल होगा, लिख दे रहे हैं स्फेरिकल, अभी फिगर दिखा रहे हैं। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और एक चीज मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक ठीक है, ये 3 पॉइंट ऐसे उसी में से एग्जाम्पल एक बता दीजिए। बताइए, डिप्लोकोकस निमोनिया, अब जानते हैं निमोनिया जो फैलाता है, डिप्लो कोकस निमोनिया दूसरे चैप्टर में काम आ जाएगा, डिजीज वाले में। डिप्लोकोकस निमोनिया एक एग्जाम्पल, कम से कम एक क्लासिफिकेशन में तो याद ही रखिए। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, ना ये बुक में बना है ऐसे दिखता सर्कल। है, कोकी टाइप का ना। चलिए, दूसरा दूसरा क्लासिफिकेशन बेसिलस, और इसको मतलब प्लूरली क्या बोल देंगे, बेसिलाई। और कैसा रहेगा, यानी कि ग्रुप इंक्लूड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इस ग्रुप में रखा जाता है, इंक्लूड मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया। ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ऐसे पूछा जाता है जिसका कोई हाथ पैर नहीं रहता। रॉड सेफ होगा ना, रॉड सेफ, सेफ के बेस पे। एग्जांपल कोई ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई फेमस है, ठीक। और बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस से रिलेटेड जो आता है। अब देखते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम ऐसे रहता है, एंथ्रेसिस कैसा दिखता है बेसिलाई, स्पून के शेप का दिखता है ना, ऐसे शायद दिखेगा जो भी है। कहाँ गए ऐसे हो, पता नहीं सर, मतलब कॉल पे तो है। अच्छा सकता है उनके यहाँ आवाज हो। स्पाइडर, सुन रहा हूँ सर। स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम कौन सा है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्पाइरिला। ये सब आपके बुक में है, स्पाइरल शेप होगा ना, स्पाइरल शेप जैसे वो स्पाइरल कराते हैं, स्पाइरल शेप। एग्जाम्पल बता दीजिए कोई,
एक तो स्पाइरिलियम वोलेट लिटेंस है, दूसरा ट्रोपोनाम, क्या बोलते हैं, ट्रेपोनीमा, ये भी इसी में आएगा, तो दो याद रखिएगा। कैसा दिखता है, इसमें फ्लैजला भी रहता है ना, ऐसा दिखता है ना, इधर फ्लैजला इधर। स्पाइरेलियम बना दो। हाँ ये याद है, आया था फिर इसके से। बाद लास्ट में बैब्रियो कॉलरा जो होता है, बैब्रियम, बैब्रियो बोलते हैं, मतलब कैसे कॉमा विब्रियो, शेप होता है ना, विब्रियो का काफी ना। पूछा जाता है, कॉमा शेप, कॉमा लाइक, जो जैसे मतलब लीची होती बैब्रियो, है वैसा होता है ना विब्रियो। हाँ बैब्रियो कॉलरा, बैब्रियो कॉलरा फैलाता है ना। ठीक है, ऊपर हमने फिगर दिया होगा यहाँ पे, आपके दिया था सर। हाँ एनसीईआरटी में है, ये एक कॉपी हो गया। ठीक ठीक है, ये बेसिलाई हो गया, ठीक, समझ रहे हैं, यहीं पे रख देते हैं, कहाँ गया अपना नोट्स, गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं अब अरे सही सिस्टमेटिक हो गया। सही है सर, बढ़िया कर रहे हैं। कोकी हो गया, बैसिलस और स्पाइरिला हो गया, बाइब्रियो हो गया। ठीक, तो सेप के बेस पे पूछा जाता है, यहाँ पे मोटिलिटी के बेस पे कौन मोटाइल होगा, कौन नॉन मोटाइल, बता सकते हैं? कौन मोटाइल जिसमें होगा फ्लैजला होगा सर? वो सारे मोटाइल होंगे, जिनमें हाँ, नहीं तो होगा इसमें जो इसमें फ्लैजला होगा वो वो मोटाइल मोटाइल होगा, होता है। यानी कि कह सकते हैं बैक्टीरिया आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल, यानी कि मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्लैजला, नहीं फ्लैजला जिसमें होगा वो क्या होगा, मोटाइल होगा, जो फ्लैजला नहीं होगा वो नॉन मोटाइल होगा, मोमेंट। तो कभी कभी नंबर ऑफ एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला को क्या बोलते हैं? अच्छा, इस टाइप के जो मतलब कि फ्लैजला होता है किनारे साइड में रहता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस, ये दिया हुआ फिगर इसलिए बता रहे हैं, पहले इसमें क्लासिफिकेशन भी था, और अगर देखा जाए नंबर एंड अरेंजमेंट मेंट ऑफ फ्लैजला, इज कॉल्ड क्या कहेंगे, फ्लैजिलेशन बोला जाता है, लेशन, सिंपल सा टर्म है अगर कहें पे। अब जैसे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला वगैरह है कि नहीं आप में, है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, हुँ? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला है, देखिए आप देखिए सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजुला जो रहेगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब समझने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, देखता हूँ मैं वो जो सिलेबस भेजा उसमें देखूं को बुक में देख लूं सर? बुक में ही देखना है, सिलेबस का सिलेबस है, क्लासिफिकेशन हो गया, ये हो गया, आरक्यो नहीं है, मतलब बेसिलस मेटाबॉलिक बिहेवियर अरे आर्कियोबैक्टीरिया नहीं है, थोड़ा ऐसा ही दिया है, यू बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया केमोसिंथेटिक, फ्लैजेला का नहीं दिया है, फ्लैजेला का आप वहां पे पढ़े थे थोड़ा बहुत, वही ना साइटोलॉजी में, ठीक है, अब फ्लैजेला यहाँ डिटेल पढ़ाएंगे बहुत टाइम लगेगा।
और यहाँ पे है नहीं। आप वहां से जो रहेगा, फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है वगैरह, हमने दिखाया था, पीली होता है, ठीक है, जहाँ पे यूज रखेगा वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। आगे आते हैं। और ये तो हम लोग यू बैक्टीरिया कर रहे थे ना, ये क्लासिफिकेशन हो गया यू बैक्टीरिया का। लिवनहग डिस्कवर स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर हम लोग कॉमनली पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक। फिर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे आगे, ठीक, जिससे हमें क्वेश्चन वगैरह लग जाए यहाँ पे, ठीक। स्ट्रेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, थोड़ा जनरल आइडिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बता सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से, बताइए। तो इसे बोला जाता है, देखने में क्या लगता है, सिंपल लगता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब बैक्टीरिया कह सकते हैं, बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल। बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए बैक्टीरिया सेल इज कम्प्लीट केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप किसका होता है, थ्री बाउंड होता था ना, उधर हम लोग साइटोलॉजी में पढ़े थे बैक्टीरिया सेल हैज केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलूप। सेल एनवलूप को, आउटर सेल एनवलूप को क्या बोला जाता है, बता सकता कोई, मतलब ये टाइटली बाउंड होता है, थ्री लेयर का होता है। आउटर कौन सा होता है भाई, अब लोग भूल जा रहे हैं। देखिए आउटर, जो आउटर मोस्ट क्या होता है, ग्लाइको कैलिक्स, बताइए, नाम नहीं सुना है आपने, ग्लाइको कोलाई, ग्लाइको कैलिक्स, हाँ सुना ग्लाइको है ग्लाइको कैलिक्स कैलिक्स, सुना है ना, हाँ लेकिन याद साइटोलॉजी नहीं में आ रहा। क्वेश्चन क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन भी दिए थे, हमें याद है। मतलब इसी की वजह से मे बी कैप्सूल या स्लाइम लेयर होता है, मे बी कैप्सूल, कैप्सूल जैसे होता है और स्लाइम लेयर होता है। ये तो आउटर हो गया, दूसरा इसके बीच में सेल वॉल रहेगा, फिर तीसरा अभी पढ़े थे डिटेल में सेल मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है, आउटर। अब इसी के बेस पे हम लोग डिस्ट मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, नहीं, जैसे बैक्टीरिया को तो क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया नेगेटिव, बोलते हैं ना, ठीक। ग्राम पॉजिटिव ये किसने मतलब स्ट्रेन किया, और ये मतलब बता सकते हैं मतलब कि बैक्टीरिया के कौन से पार्ट में ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव होता है, तीनों ग्राम लेयर के। पॉजिटिव हाँ ग्राम नेगेटिव, बता सकते हैं आर्यन, कि इस बेस पे डिवाइड करते हैं, कि इस बेस पे करते हैं, कि इस बेस पे, से ग्राम एक उसके पॉजिटिव ग्राम कैप्सूल सेल जो वाल भी, के हाँ मतलब ग्राम ग्लाइकोकैलिक्स, पॉजिटिव ग्राम निगेटिव आपने पढ़ा है ना, हाँ बैक्टीरिया सेल वॉल क्लियर रिजिड होगा, और है, हाँ मेटाप ऑफ मेनली सेल पेप्टाइडोग्लाइकन मेम्ब्रेन, किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन के, सेल सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा भाई, सेल मेम्ब्रेन कहाँ, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वाल होगा ना सेल वाल के बने होते हैं, सेल ग्लाइकोकैलिक्स। भाई, सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड रहेगा ना, मतलब लिपिड और मतलब प्रोटीन का बना होता है ना,
हाँ सर, लीपो मेम्ब्रेन प्रोटीन बने थे ना, ग्लाइकोलिपिड ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे भाई। तो जो हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखने जा रहे हैं वो किसके बेस पे है, सेल वॉल के बेस पे। ठीक, तो ये सेल वॉल के बेस पे यानी कि बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया इसीलिए क्या होता है, सेल वॉल के प्रेजेंस पे ही इज रजिड होगा एंड मेड अप ऑफ, फिर से लिख दे रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, मेनली पेप्टाइडो ग्लाइकेन, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। और लिपो प्रोटीन कौन सा होगा, सेल मेम्ब्रेन, जो मतलब कि यूकेरियोट और प्रोकेरियोट में, मतलब देखिए जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है बैक्टीरिया में, इसमें तो मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट में लगभग सेम ही है कि नहीं, तो ये मिटा देते हैं। अब इसी के बेस पे स्ट्रेनिंग होता है, स्ट्रेनिंग करते हैं तो डिवाइड होता है दो तरह से बैक्टीरिया, जो मतलब ये ग्राम साइंटिस्ट ने वो उन्होंने किया था, अभी हम ऊपर पूरा डिफरेंस बताते हैं, फिगर दिया हुआ था। ग्राम पॉजिटिव बता सकते हैं ग्राम पॉजिटिव कौन बैक्टीरिया होता है और एक ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता है आइडिया। जो स्टेन हो जाता है और ग्राम नेगेटिव नहीं हो पाता। हाँ, तो इसमें हम डिटेल में लिख दे रहे हैं, मतलब कि बैक्टीरिया सेल वाले सिंगल लेयर ग्राम पॉजिटिव, बैक्टीरिया सेल वाल इज सिंगल लेयर, लेयर्ड। अभी पिछले साल भी आपको पूछा था कि मतलब कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ, अब किसका, पेप्टाइडो ग्लाइकन। अब तो भाई ये याद ही रहेगा, कई बार लिखती है, यानी कि लिपिड आर आल्सो प्रेजेंट बट इन लेस क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, मतलब लिपिड रहता है लेस इन लेस क्वांटिटी में। ठीक, लिपिड रहेगा लेकिन लेस क्वांटिटी। दूसरे पे आ जाते हैं, ग्राम नेगेटिव में क्या आएगा, यानी कि बैक्टीरिया सेल वॉल इज डबल लेयर्ड होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, बैक्टीरिया सेल वॉल वॉल क्या होगा, डबल लेयर, लेयर। ठीक है, और इनर लेयर इज थिन। ठीक है, इसके बाद इनर लेयर, लेयर इज थिन एंड कंपोज्ड ऑफ किसका बना होगा, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। वाइल कह सकते हैं आउटर लेयर क्या होगा, थिक होगा एंड मेड अप ऑफ लिपो पॉलीसेक्राइड, लिपो पॉलीसेक्राइड। अच्छा, बैक्टीरिया सेल वॉल किस एंजाइम में डिजॉल्व होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल किस एंजाइम में डिजॉल्व हो सकता है, लाइसोजाइम में, लाइसोजाइम लाइसोजाइम में। हाँ, बैक्टीरिया में सेल वॉल सबको डिजॉल्व नहीं होता है है, सबको नहीं, मतलब लाइसोजाइम। सेल वॉल डिजॉल्व होता है। ठीक
ठीक, अभी देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बहुत है नहीं, ठीक है, अपने बस ये आपको याद रखना है, और मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये पीडीएफ दे दूंगा, अगर बढ़ना होगा तो आप यहाँ से हमें अरेंज कर दूंगा। ये देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का पूरा डिटेल है, जैसे इस ट्रेनिंग करते हैं वगैरह, पहले ये एनसीईआरटी में रहता था, अब नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा जैसे प्रिपेयर ये स्मेयर अब बैक्टीरिया कल्चर स्ट्रेनिंग क्रिस्टल वायलेट फॉर 3 सेकंड रेनिस इन डिस्टिल, तो ये सब आपको आयोडीन इन 1 मिनट रेनिस इन डिस्टिल वाटर, ये मतलब इस ट्रेनिंग कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का, तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप डिफरेंट याद रखिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखिए फिर से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सेल वॉल के बेस में थिक लेयर होगा, ठीक है, और थिन लेयर विथ मतलब डबल मेम्ब्रेन रिजिड सेल वॉल होगा, रिजिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोग्लाइकेन, इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड मिक्सचर का होता है। कंपोजिशन देखिए बहुत डिटेल में दिया है, तो आपको ये नहीं पढ़ना, जितना मैंने लिखा नीचे उतना ही। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट प्रेजेंट होगा इसमें, पेरिप्लाज्मिक स्पेस इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें देखिए प्रेजेंट हो गया, अब इसमें डिवीजन हो गया, ठीक है। फ्लैजला वगैरह का दिया, तो मतलब आप इग्नोर कर सकते हैं इसको, जितना ये मैंने अभी लिखा उतना ही आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर सेल वॉल पे हम लोग आते हैं, तो आप सेल मेम्ब्रेन क्या चीज, डायग्राम मैंने कहा सर आता है, मैंने क्वेश्चन किया था, आया था। हाँ डायग्राम आता है, डायग्राम रख देंगे, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में तो सिमिलर होता है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंट रहेगा, बचा सकते हैं, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा, नहीं होगा, एब्सेंट होगा, कौन कौन सा चीज होगा एब्सेंट, साइटोप्लाज्म में आते हैं, ये तो हमने अभी थोड़ा ऊपर कॉमनली किया था, वही सेम है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं तीसरा साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, अरे साइटोप्लाज्म में अभी आपने बताया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, नहीं, साइटोप्लाज्म बैक्टीरियल सेल में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन होते हैं, लाइसोजाइम लाइसोजाइम हो गया, आरईआर वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रिया, वो देखिए तो होता ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, और अब देखिए यहाँ पे लाइसोसोम अब्सेंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे लाइसोसोम को एनालॉगस कौन होगा, अब भूल गए, बैक्टीरिया में लाइसोसोम का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया में लाइसोसोम का काम। एनालॉगस था ना, अभी थोड़ी देर पहले यार लिखे थे, आप लोग जी तुरंत सर, भूल जाते। बैक्टीरिया में लाइसोसोम तो अब्सेंट होगा, लेकिन लाइसोसोम का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया में लाइसोसोम का काम करेगा। क्या था, अभी तो बताए थे सर आपने, क्या? हाँ तो सो रहे हैं क्या, अरे सो नहीं रहा, हेमोलोगस। अच्छा, ऐसा कुछ था ना, गलत तो नहीं बता दिया। आर्यन क्या बताया अभी थोड़ी, पेरी हाँ, हेमोलोगस ही बताए थे सर ना। प्लाज्मिक स्पेस में इतना वही करेगा ना एनालॉगस, देखिए हमने थोड़ी देर पहले अभी लिखा था, ये देखिए ये लिखा पेरी प्लाज्मिक, दिस इज स्पेस इज एनालॉगस फंक्शन लाइसोसोम,
बिकॉज इन दिस स्टेट डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज डन, लिखा है ना एनालॉगस। एनालॉगस मतलब फंक्शन सेम होता है ना, ये तो मैं पूछ रहा था। चलिए कोई नहीं, याद करिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है एक चीज, मीजोसोम। कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली जो है उनकी बात करते हैं। अभी इस चैप्टर से एकदम रिलेटेड नहीं है, हर चैप्टर में, बहुत चैप्टर में ये चीज आता बायोटेक्नोलॉजी में, साइटोलॉजी में। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मीजोसोम, मीजोसोम फंक्शन क्या काम करता है, पढ़ चुके हैं कई बार। मीजो सोम, बताइए, मीजो सोम्स, डबल एस, सो सोम होता है, मीजोसोम। बताइए, इसको एक तरह से अगर हम पूछे तो एनालॉगस फंक्शन किसका होता है? सर, हाँ बताइए। मीजोसोम हाँ, मीजोसोम, जैसे अभी लाइसोसोम का फंक्शन कौन करता है, कौन करता है? पेरी प्लाज्मिक हाँ, स्पेस था, एनालॉगस ठीक पे, है। एनालॉगस हाँ एनालॉगस। ऐसे मीजोसोम, अब माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता इसमें, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का कौन काम करेगा? मीजोसोम करेगा। मीजोसोम और ये सेल को, मतलब डीएनए को रिप्लिकेशन में भी काम करता है, सेल डिवीजन में भी काम माइटोकॉन्ड्रिया। करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीजोसोम, ठीक है। तो ये क्या होता है, बता सकते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना सर, तो ये वो अरे होता है मतलब ये कैसे जैसे बनता कि है, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प पड़ता है, मॉडिफिकेशन देखिए। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इनर साइड में बल्ज कर जाता है, करना। ठीक है, वही बनता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, क्या लिखते हैं टर्म, इन वैजिनेट्स, ये टर्म यूज किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं इसके मतलब होता है एक्सटेंशन, होता है एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म, इनर साइड एट डिफरेंट प्लेस एंड फ्रॉम, क्या बना देगा, मीजोसोम बना देगा। मीजोसोम और कह सकते हैं कॉन्ड्रियोइड भी बोलते हैं, कॉन्ड्रिया, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया से इसको कॉन्ड्रोइड बोलते हैं। अब मतलब डीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ बेसिकल्स, ट्यूब्यूल, मतलब से बता रहा है कैसा एक्सटेंशन, बेसिकल्स लाइक हो जाता है, ट्यूब्यूल्स लाइक होता है, ट्यूब एंड लैमेली लाइक भी होता है, लैमेली, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शन, फंक्शन के ही वजह से यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो एक तो मतलब कह सकते हैं सेल रिस्पायरेशन, तो मतलब कि कौन काम करता है रेस्पिरेशन यूकेरियोट में, सेलुलर रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कह सकते हैं एंड एंजाइमेटिक कंटेंट होता है, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइमेटिक कंटेंट रहते हैं, कंटेंट, ठीक।
दूसरा फंक्शन सेल वॉल क्या करता है? सिक्रेशन या फॉर्मेशन इसी से होता है। सेल वॉल सिक्रेशन फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन। तीसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब कि एक तरह से पैकेज डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करेगा। अब रिप्लिकेशन हो गया मतलब कि सेल डिवीजन में करेगा। सेल डिवीजन साइट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन टू डाटर सेल कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टू डाटर सेल। ये सब मिला दिया जाए तो कह सकते हैं हम लोग ये पूरा वर्क कैसा हो गया, यानी कि मीजो। एक तो यार इस नाम में सो सो मेजोसोम। लिख दिया, सो सो लिख दिया गया। मीजो सो डबल यस है, मतलब डबल ओ भी है। थोड़ा सा आर गड़बड़ है देखने में। नहीं सही है। फंक्शनली फंक्शनली क्या लिख दें? माइट्रोकांडिया नहीं, माइटोकांड्रिया। हाँ माइट्रोकांडिया फंक्शनली लाइक लाइक स्ट्रक्चर ये बहुत पूछा जाता जब जब क्या कहते हैं बैक्टीरिया में डिवीजन होता है तो है। जैसे जिनेटिक मटेरियल होता है वो डिवाइड कैसे होता है दो इक्वल। अब भाई आप इतना पढ़ चुके हैं, बताइए कहाँ पे डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता नहीं मतलब डिवाइड होता है पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है जैसे उसमें तो वो होते हैं ना सेंट्रोमेयर्स सेंट्रोसोम्स वगैरह प्रोकैरियोटिक है। में तो प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है। आप पढ़े नहीं नहीं अच्छा तो यही हेल्प करता है मीजोसोम। ये कैसे करता है सर। डायरेक्ट मतलब डुप्लीकेट कराता है, वहां पे इनडायरेक्टली होता है स्पिंडल वगैरह फॉर्मेशन से। यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्ट डिवीजन होता है ना, हम लोग एमिटोसिस उस तरह से होता है ना। सेल डिवीजन तो डायरेक्ट ही होता है इसमें ना, डायरेक्ट होता है इसमें। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टाइप का रहता है इसमें। ठीक तो ये मेजोसोम का फंक्शन है। अभी अभी यही हम देख रहा था लोग जैसा। डिवीजन डिवीजन जब रिप्रोडक्शन पे आएंगे तो अभी आएगा, ठीक है। अरे हाँ कैसे करेगा, आप पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर में, लेकिन अभी जो आप पूछे जब अभी रिप्रो डिवीजन की बात करेंगे इसके तो आगे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि डिवीजन कैसे होगा, अभी तो हम लोग थोड़ा सा फंक्शन वगैरह इधर कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन मतलब हम लोग दो तरह से, आप बाइनरी फिशन बहुत सारे पढ़ते थे और इंडोस्पोर फॉर्मेशन गेमियोली फॉर्मेशन बहुत सारे, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे होता है ये पूछ रहे हैं तो ना। यही तो करेंगे क्या सर। हाँ थोड़ा सा अभी देख ले। आप जा रहे हैं? नहीं आपको मैं पूछ रहा हूँ। नहीं थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। बताइए आर्यन, आप सर पढ़े पढ़े नहीं भाई? अभी हम लोग रिप्रोडक्शन में जब आएंगे ना तब तो बता देंगे वो, ठीक है। मतलब कि आपको वहां पे एमिटोसिस हो रहा था और सेल डिवीजन हो रहा था ना, डायरेक्ट डिवीजन होता है वहां पे हम लोग उसमें एक प्रोकैरियोट फंक्शन का। दिखाना ऊपर फंक्शन। यहाँ हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। ऐसे मैं और रेप्लिकेशन कर रहा था। मैं कह रहा था कि जैसे जब जैसे मतलब सेल डिवाइड हो गया मतलब वो डबल हो गया अमाउंट। हाँ डायरेक्ट होता है यहाँ पे ना, डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है, मियोसिस माइटोसिस थोड़ी होता है यहाँ पे। सेल डिवीजन डायरेक्ट होता है ना इसमें, वो बनता ही नहीं जो आप सोच रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर की जरूरत लगे। वो तो मतलब जब
मियोसिस माइटोसिस होता है तब वहां पे मतलब लगता है, यहाँ पे एमिटोसिस बोलते हैं इसको, मतलब प्रोकैरियोट में या प्रोटिस्टा में अच्छा, डायरेक्ट मतलब क्रोमोसोम में सेल। नहीं होता ना? हाँ नहीं वो सब नहीं होता है क्योंकि मतलब यहाँ डायरेक्ट डिवीजन होता है। ठीक है, हाँ एक और चीज कर लेते हैं फिर मतलब आपको छोड़ देंगे फिर करेंगे फिर, जैसे न्यूक्लियाइड और ये सब रहता है ना इसमें, जैसे हाँ मतलब कि वो रिप्लिकेशन में जैसे ओरी एक पोजीशन रहेगा वहां से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सर्कुलर होता है, तो एक पोजीशन होना चाहिए ना ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोट में, वो चीज अलग है डिवीजन अलग है थोड़ा सा, वो रिप्लिकेशन की बात करेंगे। फिर वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस जब जाएगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की, वो हम लोग पढ़े थे उधर, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी कौन होता है बहुत पूछा जाता है, बता सकते हैं? इंक्लूजन बॉडीज यहाँ स्टोरेज या ग्रेन्यूल कौन होता है? अब भाई साइटोलॉजी रिवाइज कर लीजिएगा आज, ठीक है लगे हाथ साइटोलॉजी मत सेल सेल यूनिट साइटोलॉजी। वाला। हाँ वही रिवाइज कर लीजिएगा डिटेल में मैंने दिया था। ठीक है, कर लूंगा। हाँ उसको मतलब 10-15 मिनट लगेगा पढ़ लीजिएगा। रिजर्व मटेरियल कौन सा होता है भाई, मतलब जो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम उसको रिजर्व इंक्लूजन करके रखता बॉडी है ना, रिजर्व मटेरियल। इंक्लूजन, और ये आपको साइटोलॉजी में भी दिया था, दीज आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन स्टेम लाइज इन फ्री इन साइटोप्लाज्म, सबसे जरूरी है। तो किसमें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होता है बोल सबसे फेमस है, जो हम ये नहीं लिख रहे हैं कहाँ पे होता है, आप जानिए आपका काम जाने आप पढ़िएगा हाँ ग्लाइकोजन, आप ये सब पढ़ चुके हैं ये सब अपने बता सकते हैं ना थोड़ा सा। सर, मैंने कहा आपका काम जाने का मतलब क्या? नहीं गुस्सा नहीं है ठीक है, मतलब आपको सेल इंक्लूजन बॉडी वहां पे पिछली बार भी आप पेपर दिए हैं, इंक्लूजन बॉडी आया था आप याद करिएगा, ग्रेन्यूल पहले ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होगा मतलब ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा ना, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो रहेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि इसको पाया नहीं जाता है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट ठीक है, और एक दूसरा है इसमें वोलेटाइल ग्रेन्यूल होगा, ये क्या स्टोर करेगा, इसको मेटाक्रोमेटिन ग्रेन्यूल भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज मेटा क्रोमेटिन ग्रेन्यूल, और बेसिकली ये क्या स्टोर करेगा, फास्फेट पॉलीमर यानी कि फंक्शन एज स्टोरेज रिजर्व वायर ऑफ फास्फेट ठीक है, फास्फेट पॉलीमर। फंक्शन एज स्टोरेज ऑफ फास्फेट, ये दो इम्पोर्टेंट, पहले वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाई क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियर।